हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एपिक अंजली। गाइस, आज हम लेके आए हैं एक बिल्कुल न्यू क्राफ्ट दिवाली के लिए। हमने बनाए हैं डूर हैंगिंग, वो भी एक नहीं, हमने तीन तीन डूर हैंगिंग बनाए हुए हैं। और बहुत ही इजी वे में सारे जो मैंने वॉल हैंगिंग बनाए हुए हैं वो मोस्टली कार्डबोर्ड से बनाए हुए हैं, और आपके पास जो बैंगल्स पड़ी हुई होती है पुरानी, मैंने उनसे इनको बनाया हुआ है। तो गाइस, आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एंड गाइस, इससे पहले मैंने डूर हैंगिंग की वीडियो डाली थी, शुभ लाभ के जो वॉल हैंगिंग होते हैं उसकी वीडियो डाली थी मैंने, और भी कई दिवाली डेकोर की मैंने वीडियोज़ डाली थी, तो आप उनको भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। और गाइस, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मैंने जो फर्स्ट क्राफ्ट किया हुआ है, वो फर्स्ट डूर हैंगिंग है, वो मैंने एलिफेंट का बनाया हुआ है। वैसे भी एलिफेंट का बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मैंने सोचा कि कुछ एलिफेंट से ही बनाया जाए। मैंने एलिफेंट को कट कर लिया और उसमें अपने अकॉर्डिंग कलर दे दिया, मैंने रेड और येलो का कॉम्बिनेशन दिया है। आप कुछ और करने के बजाय इसमें कपड़े का यूज़ कर सकते हैं, आपके पास बेस्ट है जो कपड़े पड़े हुए होते हैं उन कपड़ों का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें कपड़े का और मिरर्स का एंड छोटी सी लेस का यूज़ किया है। अगर आपके पास मिरर ना हो तो आप उसे भी स्किप कर सकते हैं, एंड आप चाहें तो कुछ भी ड्राइंग बना सकते हैं। मैंने इसमें कपड़ा पेस्ट किया हुआ है और लेस भी लगा दी है साइडों में। ये देखिए, ये हमारे जो एलिफेंट्स हैं ये तो हो गए बनकर रेडी। अब हम बनाएंगे इनके लिए हैंगिंग। मेरे पास बेल्स थी छोटी छोटी, तो मैंने बेल्स का इसमें यूज़ किया। अगर आपके पास नहीं हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। आप इसे ऐसे भी बहुत सारे एलिफेंट बना के आपकी वॉल पे पेस्ट कर सकते हैं। एंड गाइज, मैंने इसमें कुछ पॉम पॉम और कुछ पल्स का यूज़ किया हुआ है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं, नॉर्मल पल्स को भी इसमें हैंगिंग कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो गाइज, आप मेरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। गाइज, अब हम बना रहे हैं सेकंड डूर हैंगिंग। सेकंड डूर हैंगिंग मैंने, ये भी बहुत ट्रेंडिंग में है जिसे बनाया है। मेरे पास फालतू की वेस्टेज रिंग पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इसका कुछ यूज़ कर लिया जाए। आपके पास कोई बड़ी नॉर्मली कोई लोहे की रिंग हो, कुछ भी हो, या वायर से भी इसको मोड़ कर बना सकते हैं। तो मैंने इसमें रिंग और नेट का यूज़ किया हुआ है। नेट अगर आपके पास किसी भी तरीके की बची हुई हो तो आप उससे बना सकते हैं। ये वैसे बहुत ही अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे दिवाली पर ही डेकोर करें। इसे आप वैसे भी घर में डेकोर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल लो कॉस्ट में बनाया हुआ है, इसमें केवल नेट का यूज़ किया हुआ है मैंने, आप देख सकते हैं। तो गाइज, मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गाइज, हमारे दो डूर हैंगिंग तो बन चुके हैं, ये है हमारा थर्ड डूर हैंगिंग। इसमें मैंने बैंगल्स का यूज़ किया था। बैंगल्स में पहले ही मैंने ऊन को लपेट लिया था, आप चाहे तो पेंट भी कर सकते हैं। और मैंने इसमें शुभ लाभ की बजाय मैंने आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा दिए हैं। आप शुभ लाभ भी इसमें लगा सकते हैं, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। मुझे शुभ लाभ का मेरे पास था
तो मैंने इसमें आर्टिफिशियल छोटे छोटे बंचेस लगा दिए, तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो गाइज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।